मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आप ये जानते हैं मेरा नाम देवराज है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये बड़े यूनिक मोमेंट है और ये सहारा ने कैप्चर किया है, ठीक है। और मेरी सलाम, मेरा नमस्कार, मेरी नमस्ते और मैं हाथ जोड़ के सर झुकाता हूँ। सारा प्रणाम, मैं प्रतिबिंब शर्मा। और मैं आदित्य शर्मा। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर जख्म को धुएं में उड़ाता चला गया। एक ऐसा फलसफा जो जीने की राह दिखाता है और ये फलसफा दिया हमें उस शख्स ने जिसका नाम है देवानंद, और हम हैं आज देवानंद साहब के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खास दिन है, आपकी नई फिल्म आ रही है चार्जशीट, और उस मौके पर जब आपका जन्मदिन भी आ रहा है। बहुत बहुत मुबारक। देखो, ये चार्जशीट मेरी लास्ट की फिल्म है, मेरी लास्ट फिल्म, और ये समय ऐसे निकल गया है। मैं ज़िंदगी के साथ निभाता चला गया, घर फिर को धुएं में उड़ाता चला गया, यानी कि पहली बार मैंने सिगरेट पिए थे जब साहिर ने ये मेरे लिए लिखा था। और मुझे याद है कि मैंने एक सिगरेट का कस लगाया था, धुआं फेंका था और गाया था, और उसके बाद ही कलर शुरू हुआ है। और कलर में पहली फिल्म गाइड जूल थीफ, विजयनंद साहब, उनके साथ तेरे मेरे सपने किया। उसके बाद उन्होंने कुछ अपना अकेले में कुछ किया, वो चल बसे। फिर मैं, मुझ में कीड़ा था लिखने का, डायरेक्ट करने का, क्योंकि मीडियम ऐसा है कि एक स्टेज आती है कि अगर आप में इंटेलेक्ट है और दिमाग है और आप लिख सकते हो और आप दुनिया को जानते हो और आप पढ़े लिखे हो, तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। गाता रहे मेरा दिल। फिल्म दिमाग में आई जो मैंने जिस जॉनर का अभी तक पकड़ा नहीं था, चार्जशीट। एक मर्डर स्टोरी है और सस्पेंस है, और इसकी लोकेशन है महाबलेश्वर। और मैं चार ट्रिप वहाँ मारे हैं, और मैंने प्रेस को दूर रखा है कि मैं नहीं चाह रहा था कि प्रेस कोई भी स्टेटमेंट मेरी फिल्म की किसी भी एक्टर को उछा ले। वो फिल्म तैयार है और 26 को मेरा बर्थडे है। फूलों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारा समय को मेरा बहुत बहुत आदाब देना, कहना कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और 30 को मेरी फिल्म ऑल ओवर रिलीज है। दुनिया के साथ कंपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस स्टेज पे 66 ईयर्स ऑफ माय स्टारडम एज अ लीडिंग मैन, 62 ईयर्स ऑफ नव केतन हो गया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हुआ है। और हर फिल्म दूसरे से फ़र्क है। तो ये जॉनर मैंने खुद पकड़ा है, कि मैं इस जॉनर को मैंने टैकल ही किया। तो 2 घंटे की फिल्म है और इसमें मैं हूँ। नसीरुद्दीन शाह है, जैकी श्रॉफ है, दिव्या तत्या है, ग्रेट परफॉर्मर्स और डायलॉग भी हैं। तो मैं इंतजारी कर रहा हूँ, इंपेशेंट भी हूँ, और मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और मज़े में सब कुछ ही है, मज़े में सब कुछ ही है, और मज़े में अकेलापन भी है। लेकिन अकेलापन ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अकेला हूँ तो सारी दुनिया मेरे अंदर है। तो इन शॉर्ट, दिस इज़ देवानंद, और आप इस रोज मेरे पास आए हो और आप मेरे लिए फूल लेके आए हो, तो ये फूल मेरी सर आंखों पर, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, सहारा समय का, दुनिया का, देश का, अपने फैंस का, अपने उन लोगों का भी जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। कि हर इंसान को सब दुनिया पसंद तो नहीं करती, ठीक है, पसंद भी करने वाले करते हैं, लेकिन पसंद करने वाले जब करते हैं तो आपको मालूम है, तो आप फिर काम आपको करना पड़ता है उन लोगों के लिए। कितने फ़ोन आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, और ऐसा लगता है यार कमाल हो गया, देख सब दुनिया जानती है।
की मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। सर शुरुआती दौर से अगर आपकी बात करें, 62 इयर्स आपके नाम के दन फिल्म आपने बताया, 66 इयर्स आपके स्टारडम को हो चुका है, तो शुरुआती दौर से अब तक आपने कई तरह के बदलाव देखे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन, रंगीन से जॉनर की फिल्में कर रहे हैं अभी तक आप, और क्या क्या खास बदलाव आपने देखा है अब तक के बॉलीवुड में, जो जिस तरह से आप पहली बार आपने फिल्म की थी, पहली कोई बदलाव नहीं है, कोई टेम्परमेंट है, वही टेम्परमेंट है जो कि किसी भी एक्टर का हो सकता है, वही स्ट्रगल है, वही स्टारडम है, वही भेड़चाल भी है, वही ग्रेटनेस भी है। लेकिन इंसान जैसे दुनिया जाने लगती है तो बड़ा होना शुरू हो जाता है, ये इफेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है। हमारे बड़े बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं और मैं उनके साथ चल रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं किन लोगों के साथ कम्पीट कर रहा हूँ, अच्छा है कि बुरा है, लेकिन वो बहुत ग्रेट हैं, हम भी कम नहीं हैं, और शायद वो लोग मुझे बहुत इंस्पायर भी उन लोगों ने किया है, मैंने भी किया होगा किसी न किसी मोड पर, किसी न किसी रोज। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे मज़ा ही आ रहा है, मैं उस जब फिल्म इंसान बनाता है ना तो उस फिल्म की दुनिया में ही रहता है, तो ये जो काम है इन्वॉल्विंग है, आपको एक आइडिया आया और आपने उसको भूलने की कोशिश की, रात को खाना खाया, सुबह ब्रेकफास्ट की, आइडिया ने रिपीट किया आपके दिमाग में फिर से, फिर तीसरे रोज़ अगले हफ्ते आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, तो आपके दिल ने कहा कि भाई ये तो मेरी अगली फिल्म है, आपने काम करना शुरू कर दिया। कन्विक्शन के साथ आदमी बढ़ जाए, काम आपका अच्छा हो, तो कोई वजह नहीं कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सर विजय से एक बार हमारी चर्चा हुई थी, बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई रियल सुपरस्टार है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो वो है देव साहब। किसने कहा था? विजय साहब ने, गोल्डी जी ने। बेहद ही इज्जत करते थे, बेहद प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा समझते थे, तो क्या यही वजह थी कि जिन फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन दिया वो बहुत ही कमाल के हिट हुए? इसलिए कि जब सब प्यार थे, टोटली रिलैक्स थे कि देव साहब मेरे साथ हैं, मैं इशारा करूँगा वो काम करेंगे जो मैं लेके जाऊँगा, और मैं भी रिलैक्स था कि मैं उनके हाथों में बिल्कुल सेफ हूँ, वो भी मेरे लिए स्क्रिप्ट लेके लाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, तो टीम बन जाती है, टीम उखड़ गई उसके बाद, उखड़ गई, उन्होंने क्या बनाया उसके बाद जब छोड़ के चले गए, तो क्या बनाया? 5,000 रुपया। कल कुएं की कद्र ज्यादा थी, आज प्यासे की ज्यादा है। 6, 8 10 बस बस बस। सेठ जी आप कांटा फेंक रहे हैं या जाल फैला रहे हैं? प्यार तो सुरैया जी भी आपको बेहद करते थे, दिलो जान से चाहते थे। सुरैया से मेरा सबसे पहला, अगर किसी लड़की से कभी मैंने प्यार किया है शुरू शुरू में तो वो सुरैया ही थी, वो सुरैया ही थी। जन्म जन्म की मैंने उसको प्रपोज भी किया था, मैंने उसको रिंग भी दी थी, उसने रिटर्न किया, मतलब रो पड़ा था। अगर मैं किसी लड़की के लिए रोया हूँ तो सुरैया के लिए ही रोया हूँ भाई, माई फर्स्ट काफ लव। लेकिन दैट वॉज माई एक्सपीरियंस, मुझे एक दौर से निकलना था, मैं निकल गया। अगर मैंने शादी करनी होती तो मेरा लाइफ का कुछ डायरेक्शन ही और होती, वो नहीं था जो दे बनना भी है। अभी मैं रेस्टलेस हूँ, अकेला हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, लेकिन भीड़ में भी जाऊँगा तो भीड़ तो मुझे सिखाती है, मैं भीड़ में नहीं जाऊँगा तो मैं सीखूँगा क्या? एक सीखने के बाद जो अंदर की चीज़ को निकालना चाहता हूँ उसको टोटली टोटल आइसोलेशन, अलोन, डोंट डिस्टर्ब मी। जी हाँ, देव साहब से चर्चा का दौर यूं ही जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जाने की कोशिश करेंगे उन तमाम बातों को जो अभी तक अनछुई रही हैं, जो अभी तक आपके सामने नहीं आई हैं, एवरग्रीन देवन साहब के बारे में, लेते हैं एक छोटा सा
ब्रेक। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम हैं आज देवानंद साहब के साथ और हम बात कर रहे हैं उनके फिल्म चार्जशीट के। तो देखो चार्जशीट, एक तो सस्पेंस है, मर्डर है, क्या कहानी है, कहानी बतानी नहीं चाहिए। जब पिक्चर रिलीज होती है कहानी दुनिया को नहीं बतानी चाहिए, दुनिया खुद देखे तो दुनिया बता देती है, बेकार बेकार नहीं बतानी चाहिए, गाने सुनाने चाहिए, ये गाने हैं। सर ब्रेक से याद आया कि आपने तमाम लोगों को ब्रेक दिया है, आपने आर डी बर्मन साहब का नाम लिया, आपने हीरोइन में जीना तमान को ब्रेक दिया, तमान टीना मोनीम सारे के सारे। तो वो कि आपने जब फर्स्ट टाइम उनको देखा था तो क्या जहन में आया था? देखा था नहीं, मुझे तलाश थी जिंदवान के रोल के। 6 महीने मैंने इंतजार किया किसी का, जिंदवान मिली। टीना के लिए मैं 2 एक्टर्स लिए थे, टीना सामने आई इसके लिए तो आ गई। तो कई बार एक सेकंड में आ जाते, कई बार नहीं आते, दिस इज इट। और ये सब सब इंसान ही करते हैं। दुनिया क्या कर रही है, स्टार्स को लेकर फिल्म बना रही है, ईजी टू सेल नहीं साहब। दुनिया में अच्छा एक्टर पता नहीं कहाँ बैठा हुआ हो। हाँ, ब्रेक मांग रहा हो, ब्रेक ना मिल रहा हो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ब्रेक नहीं मिलेगा, ये है। कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लोग डरते हैं। लोग डरते क्यों होंगे, उनको डर है कि मेरे पैसे का नुकसान हो जाएगा। कोई देरा जेब से लगाने को तैयार नहीं होता नए लोगों पर, डेवलपमेंट करेगा। बिकॉज हम डे डे वाला बेटा फॉर गैम्बलर, वो बहुत है। हम क्या लेके आए थे जो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम करवाएंगे। मस्ती में चूर हो, पास हो के दूर हो, हर मस्ती में चूर हो, पास हो के दूर हो, दौड़ी चली आती है। मैं जिसको पुकारता हूँ। लेकिन उस माहौल में आपने जिस तरीके से आपने पोर्ट्रेट किया जीना तमान जी के कैरेक्टर को हरे राम हरे कृष्णा में, वो आपने बहुत ही कमाल किया। और एक दम मारो दम की जो छवि बन गई थी वो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। तो जहन में कहाँ से आया वो किरदार जो है उसकी? देखो, मैंने एक ऐसा फिनोमेनन देखा नेपाल के अंदर। मैं किंग वीरेंद्र, मेरे दोस्त थे किंग वीरेंद्र जो राधे बन गए थे, उनकी शादी पर मैं गया था। एक जीवन हम दोनों से अपने मुझे सुनाया भी, मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया। तो हम दोनों बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में एंट्री थी, तो वहाँ का एक्टर मेरा दोस्त बन गया था। वो डॉक्यूमेंट्री बनाने नेपाल आया, उसको मालूम हुआ कि देर से अभी हम आए हुए हैं एज स्टेट गेस्ट। उसने मुझे फ़ोन किया तो मुझे खिपी डैम में लेके चला गया। अच्छा, जहाँ के सारे ही सफ़ेद आदमी, यंग डर्टी लुकिंग, लॉन्ग हेयर डिपीस, बत्ती जल रही है, प्यार कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, एलएसडी पी रहे हैं, धुंधी लगाए हुए हैं, रात का वक्त है, और एक हिंदुस्तानी लड़की एक के किसी गोद में चिपकी हुई है और दाढ़ी को उसको छेड़ रही है, उस पर वो सिगरेट का धुआं फेंक रहा है। ऐसी लड़की हिंदुस्तानी है यार, कहानी मुझे कहानी मिल गई। मैंने लड़की को चेस किया, मिला हल्ला हुआ। देखो ये कहानियाँ हैं, क्या बात, मेरी कहानी सारी अनयूजुअल है, इसलिए लोगों के दिमाग में कई बार नहीं आती हैं। सर, न्यूकमर्स को लाने के पीछे क्या रीजन था? एक फ्रेशनेस चाहिए होती है, इस वजह से न्यूकमर्स को लॉन्च करते हैं या क्या? पिक्चर में पूरा जान लगा देते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा, कई बार स्टार की इमेज में स्टार के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, जो जब नए लोग हो तो आप नहीं करते हो। और तीसरा, फिल्म गलती बनती है और स्टार के साथ भी बनती है फिल्म, ऐसी कोई बात नहीं। स्टार चार लगा देते हैं, बड़े अच्छे स्टार हैं आज के ज़माने में, ऐसी कोई बात नहीं। सर, आपकी फिल्मों में गायकी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा करती थी। मैं उस पर मेहनत करता हूँ, मेहनत करते थे, मुझे मज़ा आता है। जो जो गाना आपके सोल को स्टर ना करे, जो आपको दोबारा सुनने को दिल ना करे, उसका फायदा क्या? तो आपने, आपके लिए वैसे तो हेमंत दा ने भी आवाज़ दी, रफ़ी साहब ने भी दी, लेकिन जो बॉन्डिंग किशोर दा के साथ आपकी रही वो किसी के साथ नहीं। उसकी आवाज़ भी मिलती थी और वो एक्टर भी था और हमेशा पूछते थे भाई आप क्या कैसा करना चाहते हो, वैसा गा दूँ। मैं क्या, आप गा दूँ, मैं वैसे एक्ट करूँगा। जो चैन चाहे तो कौन
छोड़ी न रख कपन के लिए। हाँ। तो ये पंजाई करला भाई। ये जानना चाहेंगे आपसे एक सवाल कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो लास्ट फिल्में रही है क्रिटिक्स जो होते हैं तो क्रिटिक्स जो क्रिटिसाइज करते हैं। मैं सरप्राइज हूं आपने नहीं पूछा। हर क्रिटिक मुझसे पूछता है आपकी फिल्में अच्छी नहीं गई, बट मुझे मालूम है कि फिल्में लेकिन फिल्में अच्छी थी। हर अच्छी फिल्म कहाँ हिट होती जो बिल्कुल तीर छुड़ाती हुई है वो ये अजीब हाँ उसमें पब्लिसिटी थिएटर्स टाइमिंग सारी बातें होनी चाहिए। कई बार मिस हो जाती हैं, कई बार नहीं मिस होती हैं, कई बार कहीं आपने कहीं कुछ आप चुप 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 होते हैं और कई बार शायद ऐसा तो सोचे ये रॉन्ग सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट तो किया, आप अमीर बन गए, जूरी ने आपका साथ नहीं दिया लेकिन आप तो अमीर बन गए सोच विचार में। आई टेक इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सेंसर आपने की थी, सेंसर बोर्ड पे एक सवाल उठ गया था सेंसर का, प्लान की थी उन लोगों ने मुझे कहा था ये कट हम वेव कर देंगे, चिट्ठी आई तो वेव नहीं किए, तो मुझे गुस्सा था, मैं गाड़ी प्लान किया मगर पिक्चर सेंसर ही प्लान करूँगा और सेंसर प्लान तो आप पिक्चर देखो जाकर। आशा पार्क चेयरमैन थी, उसने एक शॉट नहीं काटा, देखिए गुड पिक्चर एंड आई वाज ब्लेमिंग ए फिल्म डायरेक्टर हुज पिक्चर गेट्स स्टक इन द सेंसर्स। आपको लगा कि आज की कहानी है और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए हो गया और एक ही आदमी है जो खुद भी फंस जाता है और एक्स बिगर सीबीआई ऑफिसर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, देख ये गुड गुड स्टोरी। ये जन्मदिन का मौका है, आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और भी आप समझेंगे किस तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन रहा आपके। मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया, कभी आपने देखा कि मैंने पार्टी दी हो, कभी आपने पढ़ा कि देवन ने पार्टी दी है दोस्तों को, कभी नहीं पढ़ेंगे आप। मैं इसके क्योंकि बर्थडे बच्चे बनाया करते हैं, अभी ये ढर्रा बन गया, बहाना है प्रमोशन का, लेकिन मैं हर बर्थडे पर जो मेरे चाहने वाले हैं उनकी भीड़ जमा हो जाती है तो मैं मुझे उनसे मिलना पड़ता है, मैं मिलता हूँ, लेकिन कई बार दिल नहीं करता तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, कहीं शाम बिता देता हूँ और लोगों को बोल देता हूँ मान जाता है। गिफ्ट किस तरह के मिला करते हैं अपने फैन से या गिफ्ट किस तरह? सब गिफ्ट देते हैं, कई बार खुलते भी नहीं पड़े रहते हैं लेकिन एक निशानी जो है कि हम आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं बड़े प्यार के साथ। क्या क्या कुछ हुआ आप अंदाजा नहीं, उसकी किताब लिखी जा सकती है, आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सर इस पूरे रिच करियर में अगर एक रिचेस्ट मूवी की बात ना की जाए जो आपसे संबंध रखती है गाइड की, तो देवानंद भी कहीं अधूरे लगते हैं और हमारी बातचीत भी जो है अधूरी लगेगी, तो कैसे जहन में आया गाइड का? और जब गाइड लोगों के सामने आया फिर मुझे किसने सजेस्ट किया कि गाइड आर के नारायण ने लिखी थी और पंडित नेहरू ने उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया था, तो मेरी जब पिक्चर लंदन में गई हम दोनों तो वहाँ मुझे उसका दर्द मिला, तो उसने फिर बात रिन्यू की कि किताब हो तो बताना, वहाँ से मैं लंदन पहुँचा, फिर मैं वहाँ के फर्स्ट बुक शॉप में बड़ी ज़बरदस्त मैं फर्स्ट बुक शॉप में गया, मैंने गाइड को मांगा तो उन्होंने 3 दिन के बाद गाइड भेजी, पूरे दिन मैंने पढ़ ली। एक हिंदी गाइड वाज़ सो डिफरेंट आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिसने धूम मचाई है, सारा स्पिरिचुअल बात ही हिंदी गाइड में थी लेकिन अंग्रेजी में अंग्रेजी अपनी बात थी। ऊपर उठ रही है प्रकाश की ओर, तो फिर तुझे चिंता क्यों, सर झुका ले और शांत होकर बैठ जा। रस्म अदायगी बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में और एक रस्म जो है हम आपके साथ निभाना चाहते हैं आपके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सारे समय को अक्सर सारे समय आपके द्वारा सारे भारतवर्ष को देश निवासियों को मेरे चाहने वालों को हम सबको जहाँ कहाँ देव का नाम उनके दिल में है, तो ये अजीब घड़ी है, ये सबको याद करता हूँ प्यार करता हूँ। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत मजा आया जरा सा यूनिट की तरफ आप भी खाओ यूनिट की तरफ से सर ग्रेट सही है सर, सारा समय की तरफ से और आपके दर्शकों की तरफ से हैप्पी बर्थडे सर, क्या बात सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू मैं सर, ये बड़े यूनिक मोमेंट है और ये सहारा ने कैप्चर किया है, ठीक है, और मेरी मेरे सलाम, मेरे नमस्कार, मेरे नमस्ते, और मैं हाथ जोड़ के अपना सर झुकाता हूँ, आप ये जानते हैं मेरा नाम देवानंद है और आज जो मेरा जन्मदिन है ये सबसे पहले सहारा समय ने मनाया है, मैंने छुरी से केक को काटा है और काटते काटते मैं आप सबको तमाम दर्शकों को तमाम देश निवासियों को यहाँ भी वो हैं नमस्कार भी करता हूँ, नमस्ते भी करता हूँ और कहता हूँ कि मैं बेहद ही मुझे आपसे प्यार है और खुश रहो और ज़िंदा रहो और हमेशा हंसते रहो और घड़ी घड़ी जन्मदिन जन्मदिन आते रहे आपके भी और मैं दिल जान से वो भी मनाता रहूँगा, थैंक यू सो मच, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, Happy birthday to you, oh, happy birthday.